कौम की बेटियों, तू सज समर कर सेल्फी लेकर फेसबुक पे डालती है ताकि 1 करोड़ लोग तुझे देखें, तेरे फॉलोवर्स हो जाएं। जमाने में जितने लोग सेल्फी लेने वाले हैं, फेसबुक चलाने वाले हैं, चैनल बनाने वाले हैं, कितने करोड़ लोग आपके चाहने वाले होंगे, कितने ममालिक में आपके चाहने वाले होंगे। मगर आज से 1450 बरस पहले अल्लाह ने अपने महबूब को मक्के में भेजा। कोई फेसबुक नहीं है, कोई व्हाट्सअप आईडी नहीं है, कोई मीडिया का जमाना नहीं है, कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, मगर ये नबी की शान ये है, अरब में नबी का बोलबाला है, अजम में नबी का बोलबाला है। मर्द भी नबी को चाहते हैं, औरतें भी नबी को चाहती हैं। जंगल में चले जाएं तो जानवर भी नबी से प्यार करते हैं, पहाड़ से गुजर जाएं तो पत्थर भी नबी से प्यार करते हैं, वादियों से गुजर जाएं तो जिन्नात भी नबी से प्यार करते हैं। अबे अर्श से फरिश्ते आकर नबी की बारगाह में सलाम करते हैं। है कोई दुनिया में जो नबी से ज्यादा महबूब और प्यारा हो? है कोई दुनिया में जो नबी से ज्यादा महबूब और प्यारा हो? बताओ, भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जिन्हें जमाना इंदिरा गांधी कहता है। इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। चाचा नेहरू को खत लिखा, चाचा जी यहाँ पर जो है कि प्रोग्राम है और औरतों के सिलसिले में यहाँ पर साहब मीटिंग है और इस बात पे सेमिनार है कि दुनिया की सबसे कामयाब औरत कौन है। आप पढ़े लिखे महान इंसान हैं, आप बताइए दुनिया की सबसे कामयाब औरत कौन है जिस पे मैं कलम उठाऊं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी चिंतन मंथन के बाद जवाब लिखा, बेटी इंदिरा, मैंने बड़ी बड़ी रानियों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला किया, मगर दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम हजरते फातिमतुज़हरा। वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हैं। याद रखिएगा, आज कुछ इख्तलाफी बातें होती हैं मगर उसे जानना ज़रूरी है। साहब, एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, हुजूर अम्मी आयशा का रुतबा बड़ा है या हजरते सैयदा फातिमा का रुतबा बड़ा है? आशिक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा अगर बेटी की हैसियत से देखा जाए तो हजरते फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है और हजरते आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, और अगर बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हजरते फातिमा सरकार मौलाए कायनात की बीवी है और हजरते आयशा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी है। मेरे इमाम ने तो झगड़ा ही खत्म कर दिया, तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ा। वाह बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है? तो इंदिरा गांधी ने जवाब लिखा, बाबूजी हजरते फातिमा की उम्र तो बड़ी कम है मगर सबसे कामयाब औरत कैसे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाब लिखा, बेटी इंदिरा, औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले दुनिया में आने के बाद बेटी बनती है, फिर शादी के बाद बीवी बनती है, फिर उसके बाद माँ बनती है। मैंने बेटियां बहुत देखी मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने बीवियां बहुत देखी, हजरत अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी, और मैंने माएं बहुत देखी मगर हसनैन करीमैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी। ये मैं नहीं साहब, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं, वरना कल होकर कोई फतवा ना लगा दे कि सुल्तान रजा बोल रहा है। इसलिए आप याद रखे, अब मैं अपनी कौम की बेटियों से कहना चाहूंगा, आज तुझे दुपट्टा पसंद नहीं है, आज तुझे नकाब पसंद नहीं है, आज तुझे रसूलुल्लाह की तालीमात पसंद नहीं है, जिससे चाहा नजर मिला लिया, जिससे चाहा दोस्ती कर ली, जिससे चाहा व्हाट्सएप पे साहब दोस्त बना लिया, जिससे चाहा फेसबुक पे दोस्ती कर ली, जिससे चाहा उसे घर बुला लिया, जिसके साथ चाहा बाइक पे बैठ करके विशाल मेगा मार्ट चली गई। ना ना ना, इस्लाम ने एक प्रोटोकॉल दिया है, इस्लाम ने एक तरीकेकार बताया है। तुझे मालूम है तेरी जिंदगी क्या थी? अगर आप सभी की इजाजत हो तो 5 मिनट में सुना दूं। अरे बोलिए, इजाजत है? ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथ उठाएगा तभी सुनाऊंगा। माशाल्लाह, इजाजत है? माशाल्लाह, हाथ नीचे रखिए। सुनो, हमारी हालत क्या थी, तुम्हारी हालत क्या थी, जानना बहुत जरूरी है। अल्लाह अल्लाह, जब अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, बेटियां जहमत नहीं खुदा की रहमत है, बेटियां दफनाई नहीं जाएंगी, बेटियां डोलियों में सजाई जाएंगी, एक बाप रोता हुआ आका की बारगाह में आया है, आका जी मैं बड़ा गुनहगार हूँ, क्या
क्या मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो खुदा मेरी खता को माफ़ कर देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेशक माफ़ कर देगा। कहा लेकिन तेरी गलती क्या है? बोल पड़ा आका जी, मैं ताजिर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं तजारत के लिए जा रहा था, मेरी बीवी हमल से थी, उम्मीद से थी, डिलीवरी से थी, मैंने अपनी बीवी से कहा सुनो बेटी पैदा हो तो जिंदा दफन कर देना और बेटा पैदा हो तो खुशी मनाना, उसे पाल पोस करके बड़ा करना। आका जी मैं कुछ दिनों के बाद वापिस आया, मेरी बीवी ने मेरे खौफ से कहा बेटी पैदा हुई थी मैंने उसे मार दिया। अल्लाह अल्लाह आका जी मैं तो ठहर गया मगर पड़ोस में एक बच्ची रहती थी, आका जी वो बच्ची बड़ी प्यारी थी, मेरे करीब आती मैं गोद में बैठा था उससे प्यार करता, मेरी बीवी मेरी मोहब्बत को देखकर मेरी मोहब्बत के झांसे में आ गई। उसने ये सोचा जो इंसान इतना इस बच्ची से प्यार करता है अब वो इस बच्ची को जिंदा नहीं दफनाएगा। मेरी बीवी ने मेरी मोहब्बत को देखकर कहा अरे मेरे शौहर नामदार ये बच्ची आपको कैसी लगी? मैंने कहा बहुत अच्छी है, बहुत नेक है, देखता हूँ दिल को सुकून मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है, इससे के साथ मैं खेलता भी हूँ। मेरी बीवी समझ गई जो इतना प्यार करता है वो अब अपनी बेटी को दफन नहीं करेगा। मेरी बीवी बोल पड़ी ए मेरे शौहर नामदार जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते हो ये बेटी किसी और की नहीं बल्कि ये बेटी तुम्हारी है, ये बेटी मेरी है, मैंने तुम्हारे खौफ से पड़ोस में दे दिया था। कहकर फूट फूट कर रोने लगा। आका करीब ने कहा फिर क्या हुआ? कहा आका जी मैं बड़ा जालिम बाप था, कुफ्र मेरे सर पर सवार था, मैंने बेटी की कलाई पकड़ी, कांधे पे फावड़ा लिया और जंगल के तरफ चल पड़ा। आका जी जब चला मेरी बच्ची बार बार पूछती थी मेरे बाप कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं कहता मेले में लेकर जा रहा हूँ। जब जंगल में पहुँच गया बेटी को बैठा दिया और फावड़े से गढ़ा खोदने लगा। जब मिट्टी के जर्रात मेरे जिस्म पर पड़ते तो मेरी बेटी अपनी नन्ही नन्ही हाथों से उसे साफ करती। जब आका करीम इतना सुने रोने लगे। साहब आज हम किसी का दुख सुनकर नहीं रो पाते इसलिए कि साहब हमारे सीने में अब दिल नहीं पत्थर है। जब दूसरों के गम का एहसास ना हो समझना हम भी मर गए, हमारा जमीर भी मर गया है। लेकिन जब दूसरों के गम का एहसास होना समझना हम भी जिंदा है, जमीर भी जिंदा है। आज हम फलस्तीन जा नहीं सकते मगर उनके लिए दुआएं तो कर सकते हैं। आज हम उन मजलूमों की मदद के लिए पहुंच तो नहीं मगर उनके लिए दुआएं तो कर सकते हैं। अगर उनकी जगह हम होते तो क्या होता? उनकी जगह हमारी बेटियां होती तो क्या होती? रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू इसलिए आए, क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है कि अपने हाथों अपनी बेटी को दफन करने के लिए गढ़ा खोद दे? अल्लाह अल्लाह वो शख्स कहता है हाँ आका जी मैं ही वो जालिम बाप हूं। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने बेटी को डाल दिया और मिट्टी डालने लगा, मेरी बेटी बोलने लगी मेरे बाप क्या जमीन पर बेटियों के जीने का हक नहीं है? क्या दुनिया में सिर्फ बेटे जीने के लिए आए हैं? अरे मेरे बाप बता मेरी क्या गलती है? क्या मैं जमीन पर जिंदा नहीं रह सकती? आका जी मैं तो दफन करके चला आया मगर आज भी ये आवाज मेरे कानों से टकराती है। कौनैन के ताजेदार खड़े हुए इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह इस्लाम कबूल करने के बाद हालत कुफ्र की खताओं को माफ कर देगा मगर आज के बाद जीना खुदा की मर्जी से, मरना खुदा की मर्जी से, ये जिंदगी अपनी मर्जी से न जीना। याद रखना ये बेटियां जहमत नहीं, ये बेटियां खुदा की रहमत है। बेटा पैदा होता है तो अल्लाह एक रहमत नाजिल फरमाता है और बेटी पैदा होती है तो खुदा 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जब कहीं बाहर जाना तो तोहफा लेकर आना तो बेटियों को पहले देना और बेटों को बाद में देना। जिसे अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं साहब वो बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत परवरिश करे खुदा जन्नत देगा। दूसरी रवायत में 2 बेटियों का भी जिक्र, दूसरी और दीगर जगहों पे 1 बेटियों का भी जिक्र। किसी ने और मौके से पूछा आका जी जिसके पास बेटी नहीं? कहा दूसरे की बेटी को बेटी बना ले, खुदा उसे भी जन्नत देगा। अल्लाह के मुकद्दस नबी की बारगाह में कुछ ही दिनों के बाद एक बच्ची लाई गई। कर्ज किया गया आका जी ये वो बच्ची है जिसका बाप दुनिया में नहीं, जिसकी माँ दुनिया में नहीं, क्या कोई इस बच्ची को अपना बेटी बनाने के लिए तैयार है? आका करीम गोद में लिए, यतीम के सर पे दस्ते शफकत फेरा और बोसा दिया। कहा बताओ मेरे साहब
बाबा तुम में का कौन है जो इस बच्ची का बाप बनना पसंद करेगा। अल्लाह अल्लाह, हर शख्स अपनी जगह पे खड़ा हो गया और खड़े होकर कहने लगा, आका जी मेरे पास 3 बेटियां हैं, 1 बेटी और दे दीजिए। कोई कहता, आका 2 बेटियां हैं, 1 बेटी और दे दीजिए। कोई कहता, आका 1 बेटी है, 1 और दे दीजिए। डॉक्टर इकबाल जब इस मकाम पर पहुंचे तो बोल पड़े, 1 अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह, मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया, किसने मसीहा कर दिया। नबी ने कहा, बेटियां जलाने और दफनाने के लिए नहीं आई, बेटियां डोलियों में सजाने के लिए आई है। आज पूरी दुनिया में हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। मुसलमान कहते हैं बेटियां रहमत है, हिंदू कहते हैं बेटियां लक्ष्मी है, क्रिश्चियन ईसाई कहते हैं बेटियां गॉड गिफ्ट है। आज हर बाप अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को दुल्हन बनाने की तैयारी करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, नबी की आमद से पहले बेटियां दुल्हन नहीं बनती थी, बेटियां दफना दी जाती थी, मगर ये नबी की तहरीक की बरकत है। आज चाहे हिंदू की बेटी दुल्हन बने, आज चाहे मुसलमान की बेटी दुल्हन बने, आज चाहे क्रिश्चियन ईसाई की बेटी दुल्हन बने, दुनिया में किसी की भी बेटी दुल्हन बनती है तो ये मुस्तफा जाने रहमत की रहमत का सदका है, उनकी तहरीक का सदका है। नबी ने अगर मिशन नहीं चलाया होता तो आज ना तेरी बेटियां दुल्हन बनती, ना मेरी बेटियां दुल्हन बनती। वाह 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 वाह, ये आमेना के लाल की तहरीक का हिस्सा है, हिस्सा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मगर आज जहेज के लालची भेड़ियों ने और जहेज मांगने वालों ने बेटियों का फिर से जीना हराम कर दिया। जिसके पास बेटियां हैं वो टेंशन में है, रात को नींद नहीं आती है, जहेज मांगेगा। बेटी जवान है, रिश्ता करूंगा, जहेज मांगेगा। बताओ ईमानदारी के साथ, इस्लाम में जहेज मांगना, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। इस्लाम में जैसे सूद हराम, इस्लाम में जैसे शराब हराम, इस्लाम में जैसे जुआ हराम, इस्लाम में जैसे जना हराम, इस्लाम में जैसे रिश्वत हराम, वैसे ही इस्लाम में जहेज मांगना भी हराम हराम। अल्लाह के एक मुकद्दस वली से उनके मुरीद ने कहा, हुजूर दावत खाने जा रहा हूँ, इजाजत है? कहा, अच्छा दावत में जा रहे हो, खाना खाने का तरीका मालूम है? कहा, हुजूर हाँ मालूम है, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, हाथ धोऊंगा, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, दस्तरखान पे बैठूंगा, खाना करीब करूंगा, छोटा छोटा लुकमा खाऊंगा, खाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगा। हजरत ने कहा, पगले खाना खाने का तरीका नहीं मालूम, दावत खाने चल दिया है? अबे पगले, दस्तरखान बिछाने से पहले, हाथ धोने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है ये खाना हलाल का है या हराम का है, जरूरी है ये खाना हलाल का है या हराम का। ओ भारत में वीआईपी वलीमा खाने वालों, भारत में वीआईपी वलीमा खाने वालों, कहते हो क्या मुर्ग मुसल्लम है, क्या चिकन चिल्ली है, क्या पेप्सी कोको कोला है, क्या बिरयानी है, क्या मटन कोरमा है, ऐसा तो वीआईपी वलीमा कभी नहीं खाया था। अरे एक बार पूछ भी तो लो, कहीं ये जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है? जैसे इस्लाम में जहेज मांगना हराम, उस जहेज के पैसे का खाना खाना भी हराम है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जहेज मांगना इस्लाम में हराम और बेटियों को हिस्सा नहीं देना भी इस्लाम में, बेटियों को हिस्सा नहीं देना भी गुनाह है, गुनाह। इस्लाम ने कहा, जहां बेटों को हिस्सा इस्लाम ने दिया वहीं बेटियों को भी हिस्सा, बेटियों को भी हिस्सा, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, बेटियों को हिस्सा इस्लाम ने दिया है। हर बाप याद रखे, हर माँ याद रखे, हर भाई याद रखे, जहाँ आपका मकान है 2 हिस्सा बेटे का, 1 हिस्सा बेटियों का। जहाँ आपकी जितनी ज़मीनें हैं 2 हिस्सा बेटों का, 1 हिस्सा बेटियों का। बाप के जितने सर्विस के पैसे हैं 2 हिस्सा बेटों का, 1 हिस्सा बेटियों का। बुरा मत मानिएगा, जहेज मांगना हराम है, बड़ी खुश होते हैं आप, लेकिन आप जो बेटियों का हिस्सा नहीं देते हैं ये गुनाह कौन कर रहा है?
भाई बहन की जमीन को बोकर खा रहा है, साहब भाई बहन की प्रॉपर्टी को बोकर के खा रहा है। मैं कहना चाहूंगा, जब आप चाहते हैं जहेज की लानत खत्म हो जाए तो अपनी बेटियों को हिस्सा देना शुरू कर दीजिए, अपनी बहनों को हिस्सा देना शुरू कर दीजिए। शादी के वक्त कोई जहेज का लालची भेड़िया आपसे पूछे, बताओ अपनी बहन और बेटी की शादी में क्या दोगे, कहना हम क्या देंगे, अल्लाह और उसके रसूल ने हमारी जायदाद में जो उसका हिस्सा मुकर्रर किया है हम हर वक्त उसे देने के लिए तैयार हैं। वाह 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 वाह, उसे देने के लिए। कितने लोग अपनी बेटियों को हिस्सा देंगे, जरा हाथ उठाइए तो। वाह, बस इतने ही लोग देंगे, अब पीछे वाले क्या करेंगे। अच्छा, सब देंगे, यही दे दे बहुत है। हुजूर ने कहा बिल्कुल, मैंने इस बार सोचा कि इस पैगाम को पूरे भारत में पहुंचाना है। क्या बात है, दुआओं से साहब चरागे इश्क के नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। हुजूर बहुत पहले से एक शेर पढ़ते हैं, बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल लुबा के हाथ। ओ कौम की बेटियों, जिस इस्लाम ने तुझे मैका में हिस्सा दिलाया, ससुराल में हिस्सा दिलाया, आप भी बुरा मत मानिएगा, बेटियों को कलम पकड़ाना सिखा दीजिए, किताब में जिल्द लगाना सिखा दीजिए, घर पे पर्दा लगाना सिखा दीजिए, और सर पे दुपट्टा ओढ़ाना कौन सिखाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह वाह। सर पे दुपट्टा ओढ़ना कौन सिखाएगा, तेरी बेटी जर्जेट का दुपट्टा लाती है जिससे बाल नजर आता है, तेरी बेटी जिस्म दिखने वाला नेट का लिबास पहनती है। तुमने कभी अपनी बेटियों से कहा, बेटी तुम तो मजार पे जाना गुनाह है, मगर मजार पे देख ले चादर चढ़ी है, काबे को देख ले काबे पे गलाफ चढ़ा है, नबी का रोजा देख ले, बुजुर्गों की अजमत देख ले, काबा पाकीजा है इसलिए चादर चढ़ी है, अल्लाह वाले पाकीजा हैं इसलिए चादर चढ़ी है। आ मेरी कौम की बेटियां, गैरों की तरह तुम टॉप पहनना क्यों चाहती हो, गैरों की तरह तुम अपने हुस्न का मुजाहरा करना क्यों चाहती हो, गैरों की तरह तुम बता काल गर्ल्स बनना क्यों चाहती हो, गैरों की तरह तुम मॉडल गर्ल्स बनना क्यों चाहती हो, तुम सैयदा खातून जन्नत की तरह बाहया बनना क्यों नहीं चाहती हो। याद रखना, जैसे काबा बाजमत है उस पे चादर चढ़ी है, याद रख उस पे चादर चढ़ी है, जैसे बुजुर्गों के मजारात बाजमत है उन पे चादरें चढ़ी है, ऐसे ही कौम की बेटियों तुम भी बाजमत हो, इसलिए तुम्हारे सरों पे भी चादरें चढ़ी हुई है। चादरें चढ़ी हुई है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आजकल मॉडर्न जमाना है हुजूर, लोग कहते हैं देखने से क्या होता, देखने से क्या होता है, सब लोग कहते हैं मौलाना देखने से क्या होता है, मैं कहूँगा देखने से बहुत कुछ होता है साहब, देखने से ख्याल भी गंदा होता है, देखने से ख्याल पाकीज़ा भी होता है, काबा देख लो ख्याल पाकीज़ा हो जाए, गंदों के चेहरे को देख लो ख्याल गंदा हो जाए। याद रखना, आँखें यही हैं, नाच का देखना गुनाह है, सिनेमा का देखना गुनाह है, फिल्म का देखना गुनाह है साहब, गैर महरम औरतों का चेहरा देखना गुनाह है। याद रखना, जिंदगी में साहब ये आंखें हैं जिससे जुआ देखना हराम है, ये आंखें हैं जिससे बेहयाई और बुराई देखना हराम है, मगर यही आंखें हैं, काबा देख लो सवाब है, मदीना देख लो सवाब है, कुरान देख लो सवाब है, आलिम दीन का चेहरा देख लो सवाब है, घर जाओ माँ बाप का चेहरा देख लो सवाब है, बीवी है प्यार से अपनी बीवी को देख लो सवाब है, प्यार से बेटी को चूम लो सवाब है, प्यार से बच्चों को करीब करो सवाब है। कौन कहता है देखने से नहीं होता, देखने से गुनाह भी होता है, देखने से सवाब भी सवाब भी होता है। अगर हमारी कौम की कोई बेटी फेसबुक पे अपनी तस्वीर अपलोड करती है, अब जितने लोग उसकी तस्वीर को देखेंगे सबका गुनाह उन्हें मिलेगा, और जितने लोग उसे शेयर करेंगे उन्हें भी इसका गुनाह मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहूँगा, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, जिस नबी ने तुझे जिंदा दफन होने से बचाया, जिस नबी ने तुझे अजमत की चादर ओढ़ाई, उस नबी की बात मान ले। नबी ने अपनी बेटी से कहा, अल फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, आई एम
मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना तो अगर तू कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है, डिवीजन सेंटर में पढ़ती है, कोई आवारा लड़का, तुम चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, तेरी कलाई पकड़ना चाहता है तो उसे कहना छोड़ मेरी कलाई, जिस बाप ने कलम कापी दिया है जरा उससे पूछ तो लेने दे तेरी कलाई पकड़ने की इजाजत दी है कि नहीं दी है। कौन बाप चाहेगा उसकी बेटी बेहया बने, कौन माँ चाहेगी उसकी बेटी बेहया बने। याद रखना हमेशा कोशिश करना अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपनी आबरू की हिफाजत करना। ओ तालीम बेकार है जिस तालीम के बाद इंसान की इज्जत न रहे, इंसान की आबरू की हिफाजत न रहे। याद करना ये तेरा आवारा आशिक लाल किला दिखलाएगा, आगरा दिखलाएगा, हवा महल दिखलाएगा, ये आवारा आशिक तुझे लेकर के भाग जाएगा, कहेगा ताजमहल बना दूंगा, लंदन पेरिस घुमा दूंगा, मगर वो जिस्म का भूखा तेरी तुझे हबस का शिकार बनाएगा, 10-20 रोज दिल्ली मुंबई घुमाएगा, ला करके रेलवे स्टेशन पे छोड़कर भाग जाएगा, ऐसे जैसे चाय पीने वाला चाय की प्याली को फेंक कर भाग जाता है। अब चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की, इज्जत एक बार चली गई तो कभी पलट कर वापिस नहीं आएगी। तेरे माँ बाप तुझे नहीं अपनाएंगे इसलिए कि तूने उनकी इज्जत का ख्याल नहीं किया। तेरा आवारा आशिक भाग जाएगा, बता तू कहाँ जाएगी, तेरी इज्जत का सौदा हो गया। कौम की शहजादियों, अमीरों की दौलत पे नजर न डालना, ये ना देखना ये बुलेट लेकर के आया है, ये ना देखना ये स्कॉर्पियो लेकर के आया है, ये ना देखना ये कीमती घड़ी तोहफे में दे रहा है, ये सारे तोहफे तुझे दे रहा है, तेरी इज्जत लूटना चाहता है। तू कहना मेरी जिंदगी में मोहब्बत इसके लिए है जिससे मेरा निकाह होगा, मेरा हुस्न उसके लिए है जिसके साथ मैं शादी के बंधन में बंधने वाली हूं, मेरी जवानी और मेरा जमाल उसके लिए है जिसके जिसके निकाह में मैं जाने वाली हूं। याद रखना कौम की शहजादियों, दुल्हन बनकर के घर से निकलना, आवारा आशिकों के साथ निकलने की हरगिज कोशिश न करना, वरना याद रखना अगर तू आवारा आशिक के साथ अपने ससुराल चली भी गई तो उसके माँ बाप तुझे इज्जत नहीं देंगे, कहेंगे ये आवारा लड़की है, इसने मेरे बेटे को बच्चलन बना दिया, मेरे बेटे को लेकर के भाग गई। 2-4 औलादें तेरी गोद में होंगी, वो बड़ी होंगी, समाज में कोई कह देगा तेरी माँ बच्चलन थी, तेरा बाप आवारा था, दोनों ने भाग कर शादियां रचाई थी, बता तुम अपने बच्चों को कौन सा मुंह दिखाओगी। याद रखना मेरे नबी की सीरत वो सीरत है, आमिना के लाल का किरदार वो किरदार है, जो नबी के दामन में आ गया उसे इज्जत मिल गई है। इसलिए याद रखना आवारा आशिकों के चक्कर में मत आना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, और घर से जाना तो दुल्हन बन के जाना, ताकि तेरे पांव में कांटा भी चुभे तो तेरा बाप सीना तान कर लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तेरे पांव में कांटा भी चुभे तेरा भाई तेरे साथ देने को तैयार हो जाए, तुझे समाज में कोई तकलीफ दे ये ओलमा ये आवाम ये तेरे रिश्तेदार तेरे साथ तैयार हो जाए। जब नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह के बाद घर से शौहर के साथ जाओगी तो तू रब नबी की सुन्नत के साथ होगी, जमाना तेरे साथ। वाह 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 सुभान अल्लाह, बोलिए ऐसा होना चाहिए। अरे हाथ उठा करके बोलिए ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो हमें बेटियों को सीरत बतानी होगी, हमें बेटियों को किरदार देना होगा, हमें बेटियों को इखलाक सिखाना होगा, हमें बेटियों को बाकिरदार बनाना होगा, हमें समाज को अच्छा बनाना होगा। इन ओलमा की कदर कीजिए, इन ओलमा की महफिलों में बैठिए, इन ओलमा से प्यार कीजिए। साहब उस नबी की अजमत का क्या कहना जिस नबी ने इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए हों। साहब सारी दुनिया के अक्ल वाले कहते हैं हमारे इल्म की मेराज ये है कि हम सवारी बनाए चांद पे चले जाएं, और चांद कहता है मेरे लिए मेराज ये है नबी जिधर उंगली हिलाएं चांद उधर चला जाए, तारे उधर चले जाएं, सितारे उधर चले जाएं। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, सारी दुनिया देख रही है, स्टार लोग बैट बॉल से खेल रहे हैं, ये मिट्टी से खेलने वाले जमाने के स्टार हो गए, बड़े महान हो गए। मैं कहना चाहूंगा हम मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं, आमिना के लाल नूर से पैदा हुए इसलिए वो नूरी खिलौनों से खेलते हैं, कभी चांद से खेलते हैं, कभी तारे से खेलते हैं, कभी सितारे से खेलते हैं, तभी तो
बरेली के रजा ने कहा, हम सब के रजा ने कहा, सबसे आला औला हमारा नबी। वाह, हाथ उठाकर बोले सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। साहब याद रखिए, ईमान अकीदे की हिफाजत कीजिए, अच्छे आमाल को जिंदगी में जगह दीजिए, आमिना के लाल के किरदार से अपनी जिंदगी को सजाइए, बुजुर्गों की सोहबत में रहिए, बेटियों को साहब सीरत फातिमतु जहरा पढ़ाइए और बेटों को सीरत मुस्तफ़ा पढ़ाइए, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब बनाइए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह सुभान